वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं सुनील राउत। आंदोलन की भी किस्मत होती है, उसे सियासत का साथ मिल जाए तो वो चार लोगों का आंदोलन भी अंतरराष्ट्रीय स्तर का आंदोलन बन जाता है। हिजाब के मामले को ही ले लीजिए, एक कॉलेज में कुछ चार पांच छात्राओं को रोका गया था, लेकिन अभी आंदोलन सरहद की सीमाओं को लांघ कर देश विदेश तक पहुंच गया है और महिला हितों की बात करने वाले इन लड़कियों के समर्थन में उतर आए हैं। लेकिन आंदोलन जीवी गैंग का दोहरा रवैया यह है कि इन हिजाबी महिलाओं का साथ तो ये दे रहे हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली में 20,000 से ज्यादा महिलाएं पिछले 18 दिनों से ठंड में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी है, इनकी कोई बात नहीं कर रहा है। न तो इन्हें कोई बिरयानी परोसने वाला है, न कोई पिज्जा खिला रहा है, ना कोई इनके लिए लंगर लगवा रहा है। लाले तो इन्हें मीडिया कवरेज के भी पड़े हुए हैं, क्योंकि कोई इनके इतने बड़े आंदोलन की बात ही नहीं कर रहा है। इससे सवाल देश का है पैदा होता है, और सवाल देश का है, मैं आज बात इसी पर कि क्या आंदोलन आंदोलन में फर्क करते हैं आंदोलनजीवी? नारी अस्मिता की बात करने वालों का डबल स्टैंडर्ड क्यों? और जो केजरीवाल किसान आंदोलनकारियों को पानी और वाईफाई की सुविधा दे रहे थे, वे इस आंदोलन को कुचलने पर क्यों आमादा है? तो सवाल सीधा सा है कि आंदोलन के हिमायतकारी अब आंदोलन के खिलाफ क्यों हो गए हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। महिलाओं के इरादे और हौसलों को पस्त नहीं कर पा रहे ये लोग। 20,000 महिलाएं सीएम केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर हैं, उन्हें हटाने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन महिलाएं हैं कि डिगने का नाम नहीं ले रही है। की सैलरी भी इनको देने में दिक्कत होती है, टाइम से वो भी नहीं मिलती है। ये तस्वीरें दिल्ली की है। उसी दिल्ली की जहां की सीमाओं पर कुछ दिनों पहले तक कथित किसान आंदोलनकारी बैठे थे। उसी दिल्ली की जहां कोरोना काल से पहले शाहीन बाग बनाया गया था। और इन दोनों जगहों पर आंदोलनकारियों की सियासी खातिरदारी जमकर की जा रही थी। इन दोनों ही जगहों पर खातिरदारी करने वालों में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम सबसे पहले था। वो इन आंदोलनकारियों के लिए पानी के टैंकर से लेकर खाना तक पहुंचवा रहे थे, पिज्जा बट रहा था, बिरयानी बांटी जा रही थी। लेकिन उसी दिल्ली में ये महिलाएं कड़कड़ाती ठंड में पिछले 17 दिनों से लगातार धरने पर बैठी हैं। लेकिन न तो ये आंदोलन मीडिया की सुर्खी बन पाया, न किसी सियासी दल का रहमो करम इन पर हुआ। आंदोलन जीवी कहीं गायब है, मीडिया के माइक मौन है। क्यों? ये बड़ा सवाल है। क्यों इतने बड़े आंदोलन को कोई अपनी स्क्रीन पर कवरेज नहीं दे रहा है? ये मुख्य धारा की मीडिया से पूछा जाना चाहिए। राजनीतिक दलों के विज्ञापन के बोझ तले दबे मुख्य धारा की मीडिया के कैमरे क्या इन तस्वीरों को दिखाएंगे? वो बौद्धिक पत्रकार कहाँ है जो डिजिटल माध्यमों से मजलूमों की आवाज बनने का दम भरते हैं? सवाल कई है और जवाब ये कि आंदोलन किसी बीजेपी की सरकार के खिलाफ नहीं है। होता तो शायद ये भी उतना ही व्यापक होता जितना कि हिजाब के समर्थन में खड़ी चार लड़कियों का विरोध। लेकिन ये आंदोलन उस केजरीवाल सरकार के खिलाफ है जो इन दिनों चार राज्यों में चुनावी सपने बेचने में मशगूल है।
पंजाब को नवा बनाने का ख्वाब दिखाने वाले केजरीवाल के घर से महज 500 मीटर की दूरी पर ये महिलाएं 16 दिन से हल्ला बोल रही है। लेकिन घर से गायब केजरीवाल साहब के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। पंजाब की बेहतरी के सपने बेच रहे केजरीवाल के घर के बाहर दिल्ली की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी तनख्वाह के लिए सड़कों पर उतरी है और केजरीवाल जी पंजाब में सत्ता हासिल करने की जुगत में लगे। दरअसल ये आंदोलन दिल्ली के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का है जो सरकारी शोषण से तंग आ चुकी है और अपने हक के लिए सड़कों पर। ये देखो, एक तो केजरीवाल हमारी जब से हड़ताल चल रही है सुनने को राजी नहीं है, और दूसरा हम यहाँ पे बच्चों को छोड़ के और सबको छोड़ छाड़ के यहाँ पे आते हैं, पूरा दिन रहते हैं, मगर इन लोगों को कोई सी तरह से भी शर्म नहीं है। सैलरी टाइम पे नहीं देते हैं, कुछ भी इंसेंटिव वगैरह कुछ नहीं। बीमार हो, ड्यूटी बांटते, खाना बांटते हो, अगर चोट लग जाए, मर जाओ, कुछ भी हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर रिटायरमेंट होती है तो हमें इनको 100-100 रुपए कलेक्ट करके हम उनको विदाई देते हैं। हमें ये लोग कुछ नहीं देते, या वर्कर या हेल्पर, कोई बीमा नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है, कुछ नहीं है। 9,000 की सैलरी भी इनको देने में दिक्कत होती है, टाइम से वो भी नहीं मिलती है। दिल्ली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सब्र अब जवाब दे रहा है। 17 दिनों के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हुई तो अब वो उग्र भी हो रही है। इन वर्कर्स ने नाक में दम करो अभियान शुरू कर दिया है और इसी के तहत ये आपके विधायक दिलीप पांडे के ISO सर्टिफाइड कार्यालय पर जाकर धमकी, जहां उन्होंने पोस्टर फाड़े और बैनर फाड़ कर केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि अब इस मुद्दे पर कांग्रेस भी मैदान में कूद पड़ी है। कांग्रेस नेता बी श्रीनिवास ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है, ये शर्मनाक तस्वीरें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की है। पिछले 16 दिनों से आंगनवाड़ी की हमारी बहनें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सड़कों पर बैठी हुई है, लेकिन दिल्ली का CM गायब है, अपना राज्य छोड़ दूसरे राज्यों में जुमलेबाजी कर रहा है। इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी ट्वीट किया गया। सुनील यादव ने लिखा, केजरीवाल के घर के बाहर आंगनवाड़ी महिलाओं का धरना, महीनों से सैलरी न मिलने की शिकायत, दिल्ली मॉडल की यह तस्वीर पंजाब जरूर पहुंचनी चाहिए। एक और यूजर ने लिखा कि लापता केजरीवाल को 15 दिनों से ढूंढ रही आंगनवाड़ी की बहनें, अब इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि कैसे देश में आंदोलन पैदा किए जाते हैं और असली आंदोलनों का कैसे कत्ल किया जाता है। क्या 17 दिनों से बैठी हजारों महिलाएं मुख्य धारा की मीडिया में हैं, और नहीं तो क्यों? विचार कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, VK न्यूज। तो देखिए आपने तस्वीरें, 20,000 के आसपास महिलाएं दिल्ली में बैठी हुई है, 18 दिनों से लगातार बैठी है, लेकिन ये तस्वीरें मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है, नेताओं के जुबान से इनका दर्द गायब है। याद करिए पिछले आंदोलन कि कैसे ये नेता आंदोलनजीवी उन आंदोलनों में पहुंचकर अपने अपने माध्यम से उन आंदोलनकारियों की बात को रखा करते थे। लेकिन क्या ये महिलाएँ वोट बैंक नहीं हैं? क्या ये महिलाएँ, इनका दर्द जो है इन नेताओं के साथ नहीं है, आंदोलन जीवियों के फायदे का सौदा नहीं है, इसलिए इनकी बात नहीं की जा रही है? और क्या यह आंदोलन किसी बीजेपी शासित राज्य में नहीं हो रहा है, इसलिए इनको तरजीह नहीं दी जा रही है? सवाल तमाम है और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान हैं। अशोक ठाकुर जी है, भारतीय जनता पार्टी से है। रत्नेश मिश्रा साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ेंगे। अजीत श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी से हैं। दिलीप यशवर्धन साहब है, राजनीतिक विश्लेषक, और अजय शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार। अजीत श्रीवास्तव जी से मैं शुरुआत करूंगा। श्रीवास्तव जी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, जानकारी है आपको या आपको भी जानकारी नहीं है? नहीं है मुझे इसकी जी, इस बात की मुझे जो है जानकारी है जी। और पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों में नमस्कार करता हूँ। अब देखिए, ऐसा है कि चुनाव के समय में ये सारा जो है प्रायोजित मामला है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है ये सारा जो है प्रायोजित मामला किया गया। अच्छा, अभी आपने देखा कि एक साल पहले से गाजीपुर बॉर्डर पे किसान बैठे रहे, ठीक है, इनके कानों में जू तक नहीं रही, ठीक है। दूसरी बात ये है
ठीक है अशोक जी, आपने कहा कि प्रायोजित मामला है, वो बॉर्डर पर बैठे थे, जू तक नहीं रहेंगी, ठीक है, आपने उनको वाईफाई दिया, पानी पहुंचाया, खाने का इंतजाम किया, इनको भी पानी वानी पिलवा देते, ये भी आंदोलनकारी आने देते, क्या दिक्कत है? बात ही तो सुननी है, आपकी पार्टी तो आंदोलन से ही निकली हुई है, तो फिर आंदोलनकारियों से इतना डर क्यों? बात ही सुन लेते उनकी, प्रायोजित है तो क्या दिक्कत है? पूरी बात अमूर्ति सुना है और उनका जो नेतृत्व का शिष्टमंडल है उससे भी हमारी बातचीत ऑलरेडी चल रही है, ठीक है ना? क्योंकि जो है दिल्ली को इसी सरकार ने, इसी तानाशाही सरकार ने किस तरीके से, आपको पता ही है कि किस तरीके से सारे अधिकारों को छीन कर एक तरीके से अपंग करने का काम करा। मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जिस दिन हमें दिल्ली को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है, हम देखिएगा किस तरीके से लाखों नौकरियां देने का काम यही दिल्ली सरकार। इनकी बात करिए ना सर, ये जो 20,000 बैठी है इनकी बात करिए आज, वो तो बाद में क्या करेंगे आप, वो तो सब देखेंगे, आज इनका बताइए, इनका क्या, ये प्रायोजित है तो इनकी बात नहीं सुनेंगे आप? उसमें तो लाल झंडे हैं, लाल झंडे तो बीजेपी के कहां से हो गए, वो तो वामपंथी पार्टी के झंडे हैं उसमें। हाँ, ये मामला सेंट्रल का है, आपको पता है कि चूंकि ये वुमेन एम्पावरमेंट और ये चाइल्ड, तो केजरीवाल जी को साथ में आना चाहिए इनके, उनको तो अनुभव है अच्छा खासा आंदोलन का, नेतृत्व करे केंद्र के खिलाफ, अगर ये केंद्र का मामला है तो सामने आना चाहिए, तो बढ़िया बात है आपके लिए कि अगर ये केंद्र का मामला है, केजरीवाल जी आंदोलन का नेतृत्व करें, महिलाओं को लेके पहुंचे पीएम हाउस। देखिए ऐसा है, मैं आपको बताऊं, चूंकि क्या है कि आंदोलनकारियों का जो शीर्ष नेतृत्व शीर्ष मंडल है उससे ऑलरेडी बातचीत चल रही है, ठीक है ना, कहीं कोई, लेकिन क्या है कि ये मीडिया के द्वारा ये प्रोपेगेंडा और खासकर ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये प्रायोजित मामला है और इस प्रायोजित, अरे अजीत जी कुछ तो बात ढंग की करिए कि लोग समझ पाए, मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है, आप पर आरोप है कि विज्ञापन का बोझ जो इतना लाद दिया आपने मेन स्ट्रीम मीडिया पर कि वो इस आंदोलन को दिखा नहीं रहे हैं, हम जैसे डिजिटल मीडिया वाले सिर्फ इस आंदोलन को दिखा रहे हैं, ये आरोप है, और आप कह रहे मीडिया का प्रोपेगेंडा है, किस चैनल में दिख रहा है ये आंदोलन बताइए, आपकी हवा खुल जा रही है सर, कहां आप बात कर रहे हैं, कुछ तो सच बोलिए, कहीं कोई हवा खोलने वाले देखे नहीं, आप कह रहे मीडिया प्रोपोगंडा कर रहा है, मीडिया में तो आंदोलन ही नहीं है, ये कौन सा चैनल दिखा रहा है इस आंदोलन को बताइए? मैं बताऊं, देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये सब कुछ रचा हुआ प्रायोजित मामला है, ठीक है, नहीं ये रटी रटाई लाइन मत बोलिए अशोक जी, कुछ ढंग की बात करिए, देश की जनता आपको सुन रही है। आंदोलनकारी आंगनबाड़ी का मामला उत्तर प्रदेश में आया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इससे क्यों संज्ञान नहीं लिया, नहीं पूछेंगे हम, वो पूछेंगे, आप अपनी अपना जवाब दीजिए, हम उत्तर बीजेपी वालों से पूछेंगे, हरियाणा में बैठी है महिला, पूछूंगा मैं, आप अपना जवाब दीजिए, सरकार के पास दिल्ली सरकार के सारे राइट्स को इन्होंने खत्म कर दिए हैं, दिल्ली सरकार के सारे राइट्स को इन्होंने खत्म कर दिए हैं, किस तरीके से, सिर्फ आपके पास विज्ञापन देने का राइट है, आप मतलब अगर दिल्ली के सरकार के पास सिर्फ विज्ञापन देने का राइट है, करोड़ों रुपए का विज्ञापन दे सकते हैं, बाकी आपका जनता के काम का कोई राइट नहीं है, और फ्री करने के राइट है कि आप फ्री दे देंगे बिजली, वो राइट आपके पास है, लेकिन जैसी कोई काम की बात आती है आपके पास राइट नहीं होते हैं। विज्ञापन देखिए, विज्ञापन सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है सरकार, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण तरीके से विज्ञापन की सरकार है, अच्छा, एक इस समय मैं देखिए आचार संहिता लगने के बावजूद आपको एक मामला, नहीं अजीत जी आप सेटिस्फैक्ट्री बात नहीं कर पा रहे, महिलाएं आपको सुन रही है, ये जो 20,000 महिलाएं आपको सुन रही है, दिल्ली की जनता आपको सुन रही है, पंजाब की भी जनता सुन रही है, जहां चुनाव, जहां बड़े बड़े वादे आप लेकर जा रहे हैं, तो कुछ ढंग की बात बोलिए जिससे कि जनता आपकी बात से कुछ सेटिस्फाई हो पाए। दिल्ली की जनता से सुनिए, दिल्ली की जनता से जो वादे हमने किए थे वो सारे वादे जो है हमने पूरे किए, आप देखिए दिल्ली में, तो ये जनता कहाँ से आई है, ये हरियाणा की है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो धरने पर आई है, या पंजाब से आई है, ये कहाँ की है, ये दिल्ली की ही है, लेकिन ये दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा कार्यकर्ता है, बीजेपी के कार्यकर्ता है सारी, बीजेपी के द्वारा इनको प्रोवोक किया गया है, अच्छा, प्रोवोक करके वहां तो वो वामपंथी पार्टी के झंडे क्यों उन्होंने लिए हैं अजीत जी, हाथ में वामपंथी पार्टी के झंडे क्यों हैं उनके, वो तो वो हसिया और वो लाल वाले झंडे इनके हाथ में, वो तो बीजेपी के झंडे होने चाहिए थे ना। देखिए ऐसा है, मैं बताऊं आपको, क्योंकि इस समय अगर दिल्ली को पूर्ण पूर्ण राज्य का दर्जा अगर मिला होता, हमने हमने उनसे वादा भी तो फिर किया, रामराज आ जाता, सब कुछ हो जाता, सारे अधिकारों को उन्होंने नष्ट कर दिया। आज पे बात करिए, आज पे
जो करना होता सब करते हैं, जो पूर्ण राज का दर्जा नहीं तो बाकी काम तो कर ही रहे हैं आप, कि पूर्ण राज का दर्जा नहीं मिला तो काम रुक गए सारे। तो ये मामला जो है आपको मैं बताऊं, ये मामला चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये मामला है, आंगनबाड़ी का जो डिपार्टमेंट आता है, घूम के वहीं आ गए जी जी आप। मैंने कहा ये आपके लिए फायदे का सौदा है, अगर केंद्र के खिलाफ है तो केजरीवाल जी जाए नेतृत्व करें, महिलाओं को लेकर पीएम हाउस जाए कुछ करें। हमारा कह रहे कि भाग गए पंजाब, पंजाब भाग गए केजरीवाल जी, ये कह रहे महिला बात कर रहा है, सारी बातचीत वहां चल रही है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमने मतलब उनको अंधेरा दिया हुआ है। खबर तो हमारे पास भी है कि व्हाट्सएप पे आप लोग धमकियां दे रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से, जाकर महिलाओं को छिड़वा भी रहे हैं, ये भी खबरें आ रही है कि वह ताकि भग जाए घर चली जाए, छेड़खानी कर रहे हैं उनके साथ आपके कार्यकर्ता। एनसीडब्ल्यू ने संज्ञान भी लिया इसका, ये काम कर रहे हैं बातचीत के जरिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब जो है देखिए। अच्छा, ये सब झूठ है, ये मीडिया का। ठीक है मैं आता हूँ आपके पास, मैं दिलीप जी हमारे साथ है पहले, फिर भारतीय जनता पार्टी के मेहमान के पास। दिलीप जी, क्या माना जाए, एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी, एक आंदोलनकारी नेता बिजली के पोल पर चढ़कर जो बिजली जोड़ देता था, वो इन आंदोलनकारियों के आंदोलन को कुचलने में लगा है, व्हाट्सएप पर संदेश भिजवा रहा है कि काम पे लौट जाओ नहीं तो कार्रवाई होगी, अपने कार्यकर्ताओं को भिजवा कर वहां पर छेड़खानी करवा रहा है ताकि महिलाएं डर के घर चली जाए। ये वही केजरीवाल जी हैं जो टैंकरों से पानी पिलाते थे, वाईफाई देते थे कि आप जमे रही हैं यहां पर बॉर्डर पर। मैं अभी आपके प्रवक्ता को सुन रहा था अजीत जी को, जो ये सीधा इल्जाम लगा रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगंडा है जी। हो सकता है, मैं उनकी बात से 100% इत्तेफाक रखता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगंडा है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि समस्याएं हैं वो सही है कि नहीं जी। क्या आंगनबाड़ी वर्कर जो वहाँ पर धरने पर बैठी है वो जिस बात का जो इशू रेज कर रहे हैं वो इशू सही है कि नहीं चाहिए? एक मिनिमम वेजेज एक्ट होता है जो हर स्टेट में होता है, बिल्कुल दिल्ली में भी है जी। मिनिमम वेजेज एक्ट इन आंगनबाड़ियों के ऊपर क्यों अप्लाई नहीं हो रहा है जबकि वो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स के ऊपर भी लागू होता है जी। और अगर किसी प्राइवेट कंसर्न का एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मिनिमम वेजेज नहीं देता है तो यही दिल्ली सरकार उसके ऊपर मिनिमम वेजेज ला देने की पेनाल्टी लगा देती है, उसके ऊपर दुनिया भर की रिकवरी निकाल देती है, वहां पर वो कहती कि हम अपने वर्कर की सोशल सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखते हैं। तो सोशल सिक्योरिटी में किसी व्यक्ति को डिफाइन नहीं किया गया है, सोशल सिक्योरिटी का मतलब सोशल सिक्योरिटी टू द सिटीजन, और सिटीजन में ये आंगनबाड़ी वर्कर्स भी आती है। और जो मिनिमम वेजेस एक्ट है सुनील जी दिल्ली का, वो अनस्किल्ड लेबर का 16,064 रुपए है, बिल्कुल अनस्किल्ड का, और जो स्किल्ड है उसका 20,000 का लगभग है। आप अनस्किल्ड लेबर को 16,064 मिनिमम वेज दे रहे हैं, आप ही की सरकार का एक्ट है, आप ही की सरकार कह रही है, और आप उन आंगनबाड़ियों को 4,500 रुपए में 9,000 रुपए भी रखे हैं, वो भी उनको तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, और समस्याएं जेन्युइन उठ रही है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगंडा हो सकता है, मैं मान लेता हूँ कि राजनीति से प्रेरित हो, प्रेरणा चाहे जो भी हो, यदि समस्या सही है कि नहीं इसका जवाब अजीत जी को देना पड़ेगा जी। बिल्कुल, ये बात आपने सही की, मिनिमम वेजेस की तो बात छोड़ ही दीजिए दिलीप जी, दिहाड़ी मजदूर से कम तनख्वाह मिल रही है उनको, एक दिहाड़ी मजदूर भी इनसे ज्यादा पैसे कमा लेता है, और काम जो मैंने बात सुनी उनकी तो काम ये लिया जा रहा है कि राशन भी घर घर उन्हीं से पहुंचा रहे हैं आप, जो राशन होम डिलीवरी है स्टेप वो भी उन्हीं से करवा रहे, कोरोना टीके के लिए सर्वे उनसे करवा रहे, काम आप इतना करवा ले रहे हैं उनसे कि दिहाड़ी मजदूर से ज्यादा और तनख्वाह दिहाड़ी मजदूर से कम। और जब वो महिला इस बात का मांग करे कि भैया हमें जी जी, जब ये बात करते हैं अपनी अपने गुण गाने की, हाँ। तो मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली सरकार ने बनाई, स्कूलों को अच्छा दिल्ली सरकार ने किया, बिजली हाँ। पानी फ्री दिल्ली सरकार ने किया, हाँ। और अगर कोई कुछ कमी हो गई तो वो केंद्र सरकार के ऊपर, हाँ, नहीं वो पूर्ण राज्य तो मिलेगा तब करेंगे, ये पूर्ण राज्य इनके इसमें आड़े आ जाता है, पूर्ण राज्य नहीं है ना, पूर्ण राज्य होता तो सब कुछ चमका देते, अच्छा कर दिया वो हमारा जी, लेकिन जो नहीं किया है वो सरकार की जिम्मेदारी, केंद्र सरकार की, यही है। और यही डबल स्टैंडर्ड जो है वो अब जनता के सामने आ रहा है, और जनता जो है फिर आपको माफ नहीं करेगी। चुनाव में आप जाएंगे बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, लेकिन आपके राज्य में अगर 18 दिन से महिलाएं बाहर बैठी है उनको आप नहीं सुनेंगे तो वो आपको उसका फल मिलेगा, और नेतागिरी अपने जगह लेकिन आंदोलन अपने जगह, लेकिन उन महिलाओं की बात सुनी जानी चाहिए आपको, उनको कम से कम सुने तो। आप कर रहे कि अधिकारियों से व्हाट्सएप के जरिए उनको धमका रहे हैं कि काम पर नहीं लौटे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आप अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर छेड़खानी की घटनाएं करा रहे हैं, ये बहुत शर्मनाक है। मैं अजय जी के पास जाऊंगा, अजय वर्मा जी, ये जो आंदोलन है ये
दो आंदोलन हमने दिल्ली में देखे और उन दोनों आंदोलनों को किस तरह से राजनीतिक तौर पर हवा दी गई, किस तरह से जो एक तख्ती गैंग था तख्तियां ले लेकर सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में उतरा, किस तरह से जो आंदोलन जीवी शब्द जिसको दिया गया उन्होंने इस आंदोलन को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आगे ला लाकर एक बड़ा आंदोलन बनाया। हिजाब का ही उदाहरण ले लीजिए, अभी हाल फिलहाल का चार लड़कियों का मामला था लेकिन इतना बड़ा इस आंदोलन को बना दिया गया। ये भी महिलाओं का ही आंदोलन है, वो लड़कियां थी, ये महिलाएं हैं, इस आंदोलन को इतना समर्थन क्यों नहीं मिल पा रहा अजय जी? देखिए, इस आंदोलन को इसलिए इतना समर्थन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इस आंदोलन से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना उसको टीआरपी नहीं मिलेगी, एक तो ये है। दूसरा, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको इससे कुछ ज्यादा खास फायदा होगा नहीं। चाहे हम किसान आंदोलन की बात करें, दूसरे आंदोलन की बात करें, तो उस आंदोलन की जो तपिश है या आग वो दूसरे राज्यों में भी पड़ती है, दिखाई देती है, लेकिन इस ये आंदोलन जो है सिर्फ दिल्ली के अंदर ही सिमट के रह जाएगा। 20,000 महिलाएं हैं, 20,000 महिलाएं क्या कर लेंगी? मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाएगा नहीं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या टीवी चैनल का मीडिया हो। वो आपकी बात सही है, तो यहाँ पर सीधे तौर पर यही दिखाई देता है कि दिल्ली सरकार भी जो है, जो आम आदमी पार्टी है, वो भी दूसरी और पार्टियों की तरह होती हो गई है। आप सही कह रहे हैं कि जो आंदोलन से निकली थी लेकिन आंदोलन की जमीन पर उसने राजनीति की अपनी जो है इमारत तो खड़ी कर ली, लेकिन उस इमारत में को बनाने के बाद वो ठीक वैसी होगी जैसे कि बाकी और हैं, उसी पैटर्न पे चल रही है। तो ये अपने आप में जो है मैं समझता हूँ कि बहुत ही शर्मनाक बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये एक मेन वजह है। दिलीप जी सही कह रहे हैं कि जो आप देखिए इनको कितनी कम सैलरी मिल रही है, सैलरी भी क्या कहें, मेहनताना कह लीजिए, सैलरी तो उनको मिलती है नियमित कर्मचारी हो। अब ये जो है गौतम साहब उनसे मिलने नहीं जा रहे हैं, जैसे भी बात निकल के सामने आ रही है कि दूसरी यूनियन जो है बीच में इन्वॉल्व कर दी है जिससे महिलाएं काफी नाराज हैं। तो आप जो है जिस तरीके से इसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और वो अब ये बताने के लिए काफी है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं और अपने आप को जो है जो जनता की हितैषी बताते हैं वो आप, ऐसा कुछ है नहीं। दिल्ली का जो पिछला विधानसभा चुनाव था आपने ठीक इसी पैटर्न पे लड़ा था कि हम आम आदमी की बात करेंगे, लेकिन वो अब कहीं है नहीं। सिर्फ सिर्फ चुनाव जीतना है, चाहे पंजाब हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, आप बड़ी बड़ी बातें कीजिए, फिर आप कहते हैं दिल्ली मॉडल हमारे सामने है और ये फार्मूला सिर्फ हमें ही पता है, लेकिन वो फार्मूला जो है सभी के पास में है, बस ये है कि किसकी बात से लोग जल्दी कन्विंस हो जाते हैं। तो ये जो मामला है 20,000 महिलाओं का, ये अपने आप में एक बड़ा मामला है। ठीक है, अशोक जी मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से। अशोक जी, ये कह रहे कि ये मामला सारा केंद्र वाला है, केजरीवाल जी की इसमें कोई भूमिका नहीं है, आप लोग तनख्वाह नहीं दे रहे हैं और पूर्ण राज्य दिल्ली का नहीं दे रहे हैं उनको पूर्ण राज्य का दर्जा, दे देते तो ये कल तनख्वाह बढ़ा देंगे। सारी समस्या की जड़ तो आप है ठाकुर साहब। ठाकुर साहब मुझे लगता है आवाज कुछ दिक्कत है, तकनीकी दिक्कत है, उसको ठीक कर लूं फिर मैं आपके पास आता हूं। रत्नेश जी, आप भी उसी आंदोलन की पार्टी से निकले हुए व्यक्ति है, आम आदमी पार्टी से ही, और आम आदमी पार्टी जब आंदोलन से निकली थी, अभी फिलहाल आप कांग्रेस में हैं और कांग्रेस से अपना पक्ष लगेंगे, कांग्रेस इस पार्टी को आंदोलन को हवा तो दे रही है, राहुल जी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया, आपके बी श्रीनिवास जी ने ट्वीट किया, बाकियों ने ट्वीट किया, लड़कियों लड़ सकती हूँ वाली प्रियंका जी का अभी हालांकि इस पर ट्वीट नहीं आया ना वो पहुंची है, जैसे बाकी जगह छोटा सा भी कुछ हो जाता है तो दौड़े दौड़े चले जाते हैं, अभी तो जाहिर सी बात है चुनाव में व्यस्त होंगे और इनका तो वोट अभी मिलना नहीं है तो वहां जाने की बात तो नहीं बनती है, लेकिन आपके कार्यकर्ता जैसे किसान आंदोलन को लेकर एकदम आप सजग थे, वहां पर पहुंच जा रहे थे, जत्थे पहुंच जा रहे थे, यहां क्यों उतनी सक्रियता कांग्रेस पार्टी नहीं दिखा रही? अगर आपको लगता है इनका जेन्युइन हक है तो क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर राजनीति होगी? इनकी बात के लिए आप ग्राउंड पर क्यों नहीं उतर रहे हैं? इसको बड़ा क्यों नहीं बना रहे कि मेन इतना दबाव आप बना दे कि मेन स्ट्रीम मीडिया इसको दिखाने के लिए मजबूर हो जाए? देखिए रावत जी, आपकी बात का जवाब दे दूं जी, अभी आपने कहा कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही सपोर्ट होगा या ग्राउंड पे आकर होगा जी, तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ और संपूर्ण भारत जानता है कि जो शक्ति आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म में है वो ग्राउंड पे जाके आप काम नहीं कर पाते, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं में आपका चैनल है कि आप डिजिटली सब कुछ रन कराते हैं और आपकी रीच जो है वो नेशनल चैनल से अच्छी है जी,
तो इस बात को तो कतई ना देखे, आप ही ने कहा, राहुल जी ने ट्वीट नहीं, किया लेकिन राजनीति सर डिजिटलीकरण नहीं होगा ना, उसके लिए तो जमीन पर आपको जाना पड़ेगा, जमीन पर आप रत्नेश जी, ये बात ठीक है आपकी, बिल्कुल मैं जवाब दे दूंगा। देखिए अभी जो आंदोलन चल रहा है उसमें जहां तक मुझे पता है कि उन महिलाओं ने ही किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट लेने से इनकार किया है जी, ठीक, और वो लोग अपनी लड़ाई स्वयं में लड़ना चाह रहे हैं, तो ठीक है, अगर कोई भी ऐसा संगठन या ऐसा कोई प्रदर्शन चल रहा है जो राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट नहीं लेना चाहता, तो हम भाई जबरदस्ती जाकर उनके पास बैठ नहीं सकते। मैं आपकी ये इस बात से रत्नेश जी मैं सहमत नहीं हूँ, आपका पॉलिटिकल जवाब है, किसानों ने भी किसी राजनीतिक दल का समर्थन लेने से मना किया था, आप लोगों ने प्रदर्शन किए नहीं किए किसानों के समर्थन में, उन्होंने तो मना कर दिया था, क्यों किया फिर? देखिए राहुल जी, उसका एक बार फिर मैं जवाब दे जी, देखिए मुझसे पहले जो प्रवक्ता बोल रहे थे, हाँ। देखिए मैं किसी भी पार्टी का प्रवक्ता होने से पहले देश का नागरिक हूँ और एक देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। देखिए ये उन्होंने जैसा कहा कि एक प्रांत का मसला है, और पहली बात तो मैं इस बात का भी जवाब दे दूं कि जल्दी प्रियंका जी उनसे मिलने जाएंगे, ठीक है, और हमारी पार्टी का उन्हें पूरा सपोर्ट है, पूरा समर्थन है, जब भी लगता है सदन में अभी पहुंचकर राहुल जी जल्दी जल्द उनकी बात पार्लियामेंट में भी उठेगी, और हम जैसे लोग जो अभी कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में है, हम लोग दिल्ली पहुंचते हैं, उनके पास जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनकी आवाज को बुलंद करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं उनकी बैठकर उनकी बात के अगर समर्थन कर रहा हूँ तो एक तरह से ये भी समर्थन ही है। दूसरी बात जो हमारी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बंधु कह रहे थे कि पूर्ण राज्य का दर्जा, देखिए ये राज अलापना आम आदमी पार्टी बंद कर दे, क्योंकि टेक्निकली और कॉन्स्टिट्यूशनली ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप दिल्ली को एक कंप्लीट स्टेट बना दें जी। क्यों? क्योंकि दिल्ली नेशनल कैपिटल है, और अगर नेशनल कैपिटल बना दिया जाता है तो आप जो ग्लोबल डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूशन है दिल्ली में, आप उन्हें स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं दे सकते, दैट्स नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल, कभी है ही नहीं। अरविंद केजरीवाल जैसे हजार लोग साझा हो जाए फिर भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता, क्योंकि वो टेक्निकली और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है जी। तो तीसरी बात रही भारतीय जनता पार्टी की, तो देखिये दिल्ली में क्या होता है कि जब भारतीय जनता पार्टी कोई गलत करती है तो वो अपनी टोपी घुमा के रख देती है आम आदमी पार्टी के ऊपर, जब आम आदमी पार्टी नहीं कर पाती तो अपनी टोपी उठा के रख देती है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, ये बहुत पुराना खेल आप देख जी। अगर जिस तरह से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये केंद्र का मसला है, तो आप राज्य में इतने भी कैपेबल नहीं है, आप राज्य में इतने भी मजबूत नहीं है कि आप 20,000 महिलाओं की बात को लेकर आप प्राइम मिनिस्टर को बोल सके या आप एलजी को जाकर बोल सके, अगर आप इतने कमजोर है तो मैं नहीं समझता कि आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार है, आपको त्याग पत्र दे देना चाहिए। तीसरी बात जो भाजपा वाले कहते हैं कि ये राज्य का मसला है, ठीक, तो आप एक चीज बताइए, ये राज्य और केंद्र के मसले में बेचारी जनता कब तक पिसेगी? आप चीजों को क्लियर करिए ना कि भैया इन मुद्दों को कौन देखेगा, और यहाँ पर दोनों पार्टियां मिलकर समस्या के निपटान पे विचार नहीं कर रही है, जिस तरह से दोनों प्रवक्ताओं ने कहा ये समस्या को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, और मैं आपको ये भी बता दूं ये लोग इस पर स्पष्ट कोई भी जवाब आपको नहीं देंगे राहुल साहब, क्योंकि इनके पास कोई स्पष्ट जवाब है ही नहीं, ये वही राज अलापेंगे, पुलिस दे दो, एलजी हटा दो, पूर्ण राज्य दे दो, फलाना ढिकाना कर दो, तो ये राज अलाप कर उन महिलाओं का जो अधिकार है उसका वायलेशन कर रही है, और मैं आपके चैनल से एक जिम्मेदार पार्टी, एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता होने के साथ साथ एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे कह रहा हूँ कि अगर आप उनका वेतन भुगतान नहीं कर रहे हैं तो चाहे वो उसमें कमी केंद्र सरकार की हो चाहे वो कमी दिल्ली सरकार की हो, उन 20,000 महिलाओं के मूल अधिकारों का हनन किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया उसके बदले उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है, ये सीधे सीधे अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है। ठीक है रत्नेश जी, शायद जी जी ठीक लेकर कार्यवाही करें, ठीक है, नहीं वेतन न देने की तो बात है ही, लेकिन जो दिया जा रहा है वो भी घोर उल्लंघन है, जैसे जो लेबर लॉ है उसके तहत जो दिल्ली सरकार ने कानून बनाया, जो एक मिनिमम वेजेस का एक कानून है, उसी का सरकार ही उल्लंघन कर रही है। बड़ी मजेदार बात है कि आपने लोगों के लिए कानून बना दिया, जैसे दिलीप जी ने शुरुआत में ही बता दिया कि आपने बाकी कंपनीज के लिए तो ये बना दिया कि मिनिमम वेजेस आपको इतना देना है, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल हो उसको भी इतना ही देना है, लेकिन आप दिहाड़ी मजदूर से भी कम मजदूरी दे रहे हैं, तो ये तो एक घोर अपराध है। मैं कहूंगा कि आप मानवाधिकार का तो हनन है ही, जैसे आपने कहा,
बाकी ये घोर अपराध है कि आप उस कानून का भी वायलेशन कर रहे हो, उसको भी आप कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। मैं भारतीय जनता पार्टी से अशोक जी हमारे साथ जुड़ गए। अशोक जी, ये सब टोपी ट्रांसफर करने वाला मामला है, कहा जा रहा है कि आपका उनका, वो कह रहे कि बीजेपी की सब जड़ है, जड़ आप ही बीजेपी है इन सारे समस्या की, क्योंकि वेतन आपको देना है, आपने पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया और आप दोनों के लड़ाई में वो महिलाएं पिस रही है। ठाकुर साहब, आपकी आवाज मुझे मिल नहीं पा रही, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। मैं आता हूं आपके पास, एक छोटा सा ब्रेक ले लें हम, और ब्रेक के बाद लौटते हैं, ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन सवाल बहुत गंभीर है, राजनीति से उठकर आज इस पर राजनीतिक दलों को बात करने की जरूरत है, क्योंकि जो महिलाएं आंदोलन कर रही है, सड़क पर उतरी है, हमने इसके पहले के आंदोलन देखे और मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि एक आंदोलन था जिसमें पिज्जा बांटा गया, मसाज की वहां इंतजाम थी, नेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको उठाया गया, एक आंदोलन था जब बिरयानी परोसी गई, लेकिन इस आंदोलन में उन महिलाओं को पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं है। क्या आंदोलन आंदोलन में भी फर्क होगा? अगर वो आपका वोट बैंक नहीं है तो क्या उनकी सुनी नहीं जाएगी? और क्या एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी इस आंदोलन को कुचल देगी? बहुत गंभीर सवाल है, बड़े सवाल है, और इन महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, इसीलिए आज इस बहस को हमने वीके न्यूज पर उठाया है। ब्रेक के बाद चर्चा जारी। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।